मिलेगा हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या एक। नवादा में थानेदार के खराब रवैये को लेकर धरने पर बैठे भाजपा के जनप्रतिनिधि। नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सिंह ने अपनी ही सरकार में पुलिस प्रशासन के खराब रवैये को लेकर धरने पर बैठे हैं। भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सिंह का आरोप है कि यहां के थानेदार को बालू माफिया, दारू माफिया, साइबर अपराधियों से बड़े पैमाने पर सांठगांठ एवं बेगुनाहों को झूठे मुकदमे में फंसा दी जाती और उनसे रुपए पैसा का शोषण किया जाता है। बता दें कि थाना प्रभारी सरफराज इमाम एवं कुछ पुलिस अफसरों के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने मार्चबंदी करते हुए 24 दिसंबर को मशाल जुलूस निकाला गया था। उप प्रमुख दिनेश सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि मनोज साव, मुखिया प्रतिनिधि अनिल यादव, भाजपा अध्यक्ष मुकेश सिंह सहित कई लोगों ने वहां के पुलिस पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी नवादा, पुलिस अधीक्षक नवादा, एसडीओ नवादा, एसडीपीओ पश्चिम ब्रावा तथा अंचलाधिकारी को आंदोलन की जानकारी दी थी। तभी तीन प्रशिक्षु दरोगा नवनीत पाठक, नीलेश कुमार सिंह, मनीष कुमार का तबादला किया गया, पर थाना अध्यक्ष सरफराज इमाम को तबादला नहीं करने से जनता में जनपरी आक्रोश है और उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया जाता तब तक कमरण अनशन ही जारी रहेगी। स्कूल के बच्चे आए थे और जो बिना हेलमेट के चल रहे थे उसको हम लोग अपनी बच्चियों से हाथ डलवाए थे बारसलीगंज मोड़ पर। वो एक मतलब पॉलिशिंग का मतलब था। और आज का क्या स्थिति है कि सुनते हैं किसी को ढकेल, तो मैंने सुना, बहुत दुख हुआ, जब कोई महिला जा रही थी उसके साथ बच्चा जा रहे थे, कोई यहाँ एक ऐसे एएसआई आए हैं जिनका ना सिर है ना पूछ है, उस पर कूद गए, वो गिर पड़ा। ठीक है, कोई गलत करता है। निराला जी नंगे हैं तो नंगे नजर आएंगे, आप नंगापन करेंगे तो आपकी नंगापन झलकेगी। आजकल देखिए हमारे सामने सब खड़ा है, सोशल मीडिया खड़ा है, आएगा ही हमारी बात, हम बोले हैं तो आएगा। हम नंगा रहेंगे तो नंगा दिखेंगे, कपड़े में रहेंगे तो कपड़े में दिखेंगे। तो कम से कम हर आदमी को जो एक जिम्मेवार पद पर हो उसे अपना नंगापन जरूर बचाना चाहिए, उसे समाज के अनुसार चलना चाहिए। इतना ही कुछ कहते हैं सबसे, मैं पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि कम से कम पॉलिसिंग का अर्थ अपने डिपार्टमेंट के लोगों को समझाएं। पॉलिसिंग का मतलब क्या होता है? ये मतलब नहीं होता है कि जनता आपसे आत्रस्त हो, ये मतलब होता है कि जनता आपके नियंत्रण में खुद को महफूज समझे, और यदि नहीं समझे तो फिर पॉलिसिंग का कोई अर्थ नहीं है, पूरा व्यवस्था है व्यर्थ है। धन्यवाद। नाम क्या हुआ आपका? जी राजकुमार निराला। आज अनिश्चित काल जो अमरन अनशन किया गया है यहाँ पे, तो आज तो दूसरा दिन है, तो इस पे किसी प्रकार के कोई प्रशासन द्वारा सुध लिया गया है या कोई आए हैं कोई वैसा अभी तो कुछ? कोई किसी प्रकार का सुध नहीं लिया गया है। ये सुशासन बाबू का राजपाट है, सुशासन बाबू के राजपाट में सबसे मनोबल पुलिस पदाधिकारियों का, पुलिस लोगों का जो है सो रोड पर ही नहीं खेत खलिहानों में नंगा नाच चल रहा है। ऐसा अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, आपको मांगों का पूरा नहीं किया गया, तो अगला स्टेप क्या होगा आप लोग का? निश्चितकालीन हमारा अनशन चलता रहेगा जब तक वो दोनों पर निलंबन की कार्रवाई नहीं हो जाती है। सरफराज इमाम थाना अध्यक्ष और सहायक विनोद कुमार सिंह निकाला गया है, तो पुलिस के अत्याचार के खिलाफ आपका क्या कहना है? अत्याचार रोड पर वास्तव में जो है हेलमेट पुलिस वाला खुद नहीं पहने हुए रहता, हम लोग के हेलमेट खोजता है, तो वास्तविक चीज है। अपने ही वो हेलमेट लगा के चलता है, कभी फैन बेल्ट खोजता है, कभी फलना खोजता है, जब लोग लगा के चलता है उसके बावजूद भी जो है मैंने फोटो लेता है, फलना करता है, कहता है नहीं, जब उतर जाते हैं गाड़ी से तब कहता है कि नहीं बेल्ट आपका लगा हुआ नहीं। और मारपीट भी करता है क्या? मारपीट तो मान लिया जाए, अब उस परिस्थिति में अब उतर ही जाता है तो ड्राइवर लोग जो जिसको मर्जी बुझाता है, प्रशासन के हाथे में ताकते उसी के पास है, तो मारपीट करे जा रही है, रुपया वसूली करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह अनिश्चित काल जो अमरन अनशन पे बैठे हैं, किस लिए, किस मुद्दे पर? दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए खास करके, क्योंकि आज हम सत्ता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में मेरी विधायिका भी सत्ता पक्ष के ही आते हैं, हमारी सरकार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, लेकिन खास करके यहाँ थाना अध्यक्ष सरफराज इमाम, एसआई विनोद कुमार और कुछ नए प्रशिक्षु जो दरोगा आए हैं, ये हमारी सरकार को बदनाम करने के ऊपर तुले हुए हैं।
खास करके मैं आपको उदाहरण के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रखंड में कम से कम एक महीना के अंतर्गत दर्जनों वाहन की लूट की घटना हुई, लेकिन आज भी इन्होंने एक भी संज्ञान लेने का काम नहीं किए। यहाँ तक के एक महीना के अंतराल में हमारे प्रखंड के अंतर्गत 7 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घटना होती है, लेकिन उसका भी उद्भेदन आज तक के इन्होंने नहीं किए। इसकी शिकायत जनप्रतिनिधि चाहे बुद्धिजीवी किसी भी प्रकार के लोग जाकर के इनको कहने का प्रयास करते हैं, तो इन्होंने दर्जनों झूठा मुकदमा करके इन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किए हैं। इनका पूर्ण रूपेण मेरा आरोप है, इनका पूर्ण रूपेण जो है हमारे प्रखंड में दारू माफिया और बालू माफिया से इनकी सांठगांठ चलती है। आज इनके थाना में जाकर के देखें तो जो भी बैठे मिलेंगे वो दारू माफिया है या तो बालू माफिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष भाजपा पार्टी। आप क्या चाहते हैं इसमें? जब तक के थाना अध्यक्ष और SI विनोद कुमार की निलंबित नहीं होती है, जब तक के हमारी अमरन अनशन चालू रहेगी। We'll be right back.